खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां मार्च महीने में पड़ने वाली आगामी त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्कता बरत रही है और सुरक्षा के दृष्टिगत कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी क्रम में स्थानीय कस्बे महाराजगंज में शनिवार को शाम स्थानीय पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को शांति एवं कानून के दायरे में रहकर त्यौहार मनाने का सख्त निर्देश दिया। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस प्रशासन ने लोगों को अवैध शराब पीने से बचने और उसकी जानकारी देने की अपील भी की। बता दें कि अब की बार होली और सब्बे बारात एक साथ पड़ने के कारण पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकसी बरतने के साथ साथ फ्लैग मार्च के दौरान हुड़दंगइयों को कड़ा संदेश भी दिया है। फ्लैग मार्च थाना प्रभारी कमलकांत वर्मा के नेतृत्व में SI आशुतोष मिश्रा, माखन सिंह सहित PRV के जवान व फायर सर्विस के कर्मचारी एवं महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ थाने परिसर से निकलकर पुराना चौक के रास्ते बजरंग चौक, बेकारू चौक व वैभव धाम परिसर गया और वहां से वैभव तिराहा होते हुए पंडित लक्ष्मीकांत मिश्र चौक के रास्ते परिसर थाना में समाप्त हुआ।